हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 2 जो कि लॉस्ट स्प्रिंग ये कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेट दिस एंड वाई, यानी कि यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, ये किसने कहा और क्यों कहा। मतलब यहाँ पे कर्म और भाग की बातें क्यों आई और ये बात किसने कही और क्यों कही, हमें यही बताना है। इसलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर लिखेंगे, मुकेश ग्रैंडमदर सेड हिज सेड दिस इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी बिकॉज सी हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल। यानी कि किसने कहा था कि उसका कर्म है, उसका भाग्य, ये कहा था मुकेश की दादी ने। मुकेश कौन था? मुकेश वही लड़का जो कार मैकेनिक बनना चाहता था। उसका फैमिली बिजनेस क्या था? बैंगल्स मेकर, बैंगल बनाना, लेकिन वो अपने फैमिली बिजनेस से अलग होकर कार मैकेनिक बनना चाहता था। तो मुकेश की जो दादी हैं वही कहती हैं कि ये सब क्या है, हमारा कर्म है, हमारे भाग्य हैं। और वो ऐसा क्यों कहती हैं? वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा होना। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो क्या करते थे, जो बैंगल्स मतलब क्या होता है, चूड़ियाँ बनाना, चूड़ी बनाना लेकर खाने में काम करते थे। और ग्लास को पेंट करने में, चूड़ियाँ शीशे की बनती है, और उस ग्लास को पेंट करने में जो डस्ट होता था वो उनकी आँखों में चल जाता था, और जिसके कारण क्या करते, अंधे हो गए थे। ये सब उन्होंने खुद अपने सामने देखा था, अपने पति को अंधा होते हुए। इसलिए वो कहे कि क्या है, ये सब हमारा कर्म है, हमारे भाग्य हैं। बर्न द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, यानी कि चूड़ी वाले के घर में जन्म होने के कारण, चूड़ी वाले के घर में जन्म होने का मतलब कि उनके फैमिली में पीढ़ियों से चलता आ रहा था कि उनके परिवार के जितने भी लोग हैं सिर्फ वो सब चूड़ियाँ ही बना रहे थे। इसलिए मतलब वो अपने क्या समझते थे कि जो हमारा कास्ट है क्या है, बैंगल मेकर से ही है, हम लोग बैंगल से बनाते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा था, सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी थी अपने जीवन में उन्होंने। दे हैव सीन नथिंग यानी कि अपने उन्होंने कुछ नहीं देखा था बट बैंगल्स, लेकिन चूड़ियाँ देखी थी। इन द हाउस घर में, इन द यार्ड्स आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की जितनी भी गलियाँ थी, फिरोजाबाद क्या था, जहाँ पर चूड़ी बनाने का कारखाना था, तो फिरोजाबाद की जितनी भी गलियाँ थी वहाँ पर सिर्फ क्या हमें दिखाई देती थी, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देते थे, सिर्फ बैंगल्स ही दिखाई देते थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि चूड़ियाँ जो होती हैं बैंगल्स, वो किस बात की प्रतीक होती हैं, और जो फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने वाले जो लोग थे उनकी क्या भूमिका होती है। भाई वही चूड़ी बना देते थे तो उनकी भूमिका है ना, तो हमें इसी बात को लिखना है कि जो बैंगल्स होती हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज्ड करती हैं, यानी किस चीज़ का प्रतीक है, और जो बैंगल्स मेकर हैं उनका क्या रोल है चूड़िया बनाने में। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर लिखेंगे, द बैंगल्स सिम्बलाइज ऑन इंडियन वुमेन सुहाग एक्सपेंसेस इन मैरिज, यानी कि जो बैंगल होता है वो सुहाग का प्रतीक होता है। जो शादी के वक्त क्या होती हैं, जो शादी शुदा लड़कियाँ होती हैं वो क्या उसे पहनती हैं, यानी कि जो चूड़ियाँ होती हैं किस चीज़ का प्रतीक होती हैं, सुहाग का प्रतीक होती हैं। ठीक है, द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद हैव स्पेंट हिज ऑल लाइफ टू मेकिंग कलरफुल बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री। जो फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले थे, बैंगल मेकर्स जो थे, चूड़ीकार जैसे आप बोल सकते हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी चूड़ियाँ बनाने में ही ख़त्म कर दी। जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, सारा जीवन उन्होंने क्या करते रहेंगे, चूड़ियाँ ही बनाते रह गए। बट दे स्टिल इन पुअर्टी, लेकिन फिर भी वो क्या रहे, हमेशा गरीबी में रहे। सबके लिए उन्होंने चूड़ियाँ, कलरफुल चूड़ियाँ बनाई, लेकिन खुद क्या रहे, वो हमेशा गरीबी में ही रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स not organize themselves into a cooperative, what do they face if they do so? It's mean कि अगर जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं उनकी इतनी प्रॉब्लम होती है, उनकी गरीबी नहीं मिटती है,
क्योंकि उन्हें अच्छा पैसा नहीं मिलता है जिस मतलब कंपनी में काम करते हैं, उन्हें अच्छा पैसा नहीं मिलता है। तो उनसे लेखिका कहती हैं, क्योंकि उन्हें आप काम करते हैं, आप सब लोग जितने भी आसपास के चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, सब लोग मिलके एक अपनी खुद की सहकारी समिति क्यों नहीं खोल लेते हैं। सहकारी समिति का मतलब होता है जब सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं ना, जैसे लघु उद्योग टाइप, घर में जैसे कई लोग मिलके लघु उद्योग शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग वैसा ही क्यों नहीं कर लेते। मैंने सहकारी मतलब कि सब लोग साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और वो इसके पीछे क्या रीज़न बताते हैं हमें भी लिखना है। जैसे है ना, व्हाट डू दे फेस इफ डू सो, यानी कि अगर वो ऐसा करेंगे, खुद की सहकारी अगर समिति बनाएंगे वो, तो उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा हमें ये भी बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आंसर नंबर 10। हम इसमें लिखेंगे, द बैंगल्स मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज दे हैव फॉलन इन द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन। जो चूड़ीकार थे, बैंगल्स मेकर जो थे, वो खुद की सहकारी समिति नहीं बना सकते थे, मतलब खुद का एक लघु उद्योग नहीं शुरू कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये था कि वो एक तरह के कुचक्र में फंस गए थे। विशियस सर्कल मतलब होता है कुचक्र में फंसना, जैसे कुचक्र में फंस गए थे। और कुचक्र कैसा था, जैसे मिडिल मैन लोगों की जो सोच होती है ना, मिडिल मैन बोले तो हम अपने अंदर एक धारणा बना लेते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सपोज डेट, आप धारणा बना लीजिए कि हम यहाँ से 4 कदम दूर जाएंगे तो हम पक्का गिर जाएंगे, और आपने मन में एकदम आप यही चीज़ बैठा लीजिए, तो नहीं गिरने वाले भी रहेंगे तो डर से गिर जाएंगे। तो वैसे ही उनके मन में क्या हो जाती है, कुचक्र की भावना बन जाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उसके पीछे क्या रीज़न बताते हैं, वो कहते हैं If they do, so then they will be हैवल्ड by police। कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मतलब उनके ऊपर कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी कुछ असर था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी, beaten and dragged to the jail, उनको पीटेगी और उनको जेल में बंद कर देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब उनको किसी इलीगल काम में फंसा के उनको क्या करेगी, पुलिस जेल में बंद कर देगी और उन्हें मारेगी पीटेगी जेल में बंद कर देगी। इसलिए क्या करते थे वो, आप खुद की मतलब सहकारी समिति बनाने के बारे में नहीं सोचते थे, और जिस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी गरीबी में, उसी तरह वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये रहा हमारे इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।